नमस्कार, मैं दीदी फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पीएम मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या ना जाने की अपील की है। चलिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है, हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार किए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, एक साल के बाद आए, दो साल के बाद आए, मंदिर है ही। तो जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्व कार्यक्रम हो जाने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 जनवरी को ना बनाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ।